इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, इसमें एक डायपोल है माइनस क्यू और क्यू, और लेंथ डायपोल की 2a की बजाय l गिवन है, तो 2a की बजाय l लेंथ है इसकी। आपने इसको हल्का सा रोटेट किया तो इसमें ऑब्वियसली टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क इसे वापस अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ले आएगा। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन की थी कि जब ये टॉर्क यहां पर यहां लेके आएगा तो एकदम ये रुकेगा नहीं है, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, फिर ये स्टेबल होगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, हल्का हल्का, छोटा छोटा एंगल, बहुत छोटा होगा, हल्का सा हिलेगा, वाइब्रेट करेगा। प्रूव करो कि ये बॉडी की मूवमेंट एंगुलर SHM में और जिसका टाइम पीरियड इसके इक्वल है 2π अंडर रूट ऑफ I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्यू इंटू एल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रूफ करना है। ठीक है यहां तक? तो इस क्वेश्चन में आपको जो नॉलेज चाहिए वो किसकी चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए एंगुलर SHM की। ठीक है, तो एंगुलर SHM के लिए, एंगुलर SHM के लिए एक बार वापस चलते हैं प्लस वन SHM। दो टाइप के SHM थे, पहला SHM लीनियर SHM, जब कोई बॉडी रोटेट नहीं करती थी, लीनियरली मूव करती थी, और लीनियर SHM की इक्वेशन क्या होती थी, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये SHM की इक्वेशन है। और लीनियर SHM में हम क्या ढूंढते थे प्रूव करने के लिए, रिस्टोरिंग फोर्स। एंगुलर SHM के अंदर इक्वेशन a की जगह अल्फा, ओमेगा तो ओमेगा, y डिस्प्लेसमेंट लीनियर की जगह एंगुलर जो कि क्या हो जाएगी, थीटा। तो क्या बनेगा इसमें, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये किसकी इक्वेशन है, एंगुलर SHM की। और एंगुलर SHM में किसी भी चीज को अगर प्रूव करना है तो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, रिस्टोरिंग टॉर्क ढूंढते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है यहां तक? तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन है कि एक मैंने जैसे डायपोल लिया, डायपोल को रोटेट किया थीटा एंगल, जैसे मैंने डायपोल को थीटा एंगल रोटेट किया उसमें क्या डेवलप हो गया, टॉर्क। वो टॉर्क क्या करेगा, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके आएगा वापस। तो टॉर्क रिस्टोरिंग होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्यों होगा, क्योंकि उसको वापस लेके आ रहा है। तो साइन क्या लगेगा रिस्टोरिंग के लिए, नेगेटिव, रिस्टोरिंग वर्ड के लिए हमेशा नेगेटिव लगता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, माइनस पीई साइन थीटा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला हमने किया पी साइन थीटा। तो ये टॉर्क क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, राइट। तो रिस्टोरिंग टॉर्क है, एंगल क्योंकि छोटे हैं, ये वाइब्रेशंस बहुत छोटी हैं और एंगल बहुत छोटे होते हैं SHM में, हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था। तो जहां साइन थीटा है वहां अप्रोक्सीमेटली जब एंगल छोटा है तो साइन थीटा को क्या लिखा जाता है, थीटा। तो साइन थीटा कैन बी टर्न एज थीटा। और टॉर्क होता क्या है, आई टाइम्स अल्फा, रोटेशनल मोशन में किया था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये इक्वेशन आ गई। और पी डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू टू ए, पर यहां पर टू ए नहीं, यहां पर लेंथ एल, तो क्यू इंटू एल, कोई डाउट इसमें। तो ये टर्म आ गई, तो ये टर्म आ गई मल्टीप्लाई करके, यहां से आई को नीचे ले आओ, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा विद नेगेटिव साइन, तो ये एंगुलर SHM हो गया। हमें एंगुलर SHM की कौन सी इक्वेशन पता है, अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, लिख लिया। अगर हम इन्हें कंपेयर कर लें तो ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल है, तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ इसके इक्वल आ जाएगा। ओमेगा क्या होता है, 2π बाय टाइम पीरियड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड। तो स्टार्ट कहां से होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क से। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक,